तो पहले बताओ किसी को कोई डाउट, पुराने लास्ट लास्ट लेक्चर में कोई डाउट किसी को किसी भी तरह का बताएं भाई। जुआरिया, नो सर, साध, कोई डाउट नो बेटा? सर, तो नए बच्चों को कोई डाउट, पुराने वाले बच्चों को? मैत्री, मैत्री यस सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, कहाँ हो तुम? कोई सर। डाउट कोई मैत्री? नहीं, नहीं नहीं सर, नहीं है कोई डाउट। अच्छा, तुम्हारे डाउट्स कम हो रहे हैं, क्या बात है, पढ़ रही हो ना, हाँ सर, अब सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, क्या बात, शाबाश, बहुत बढ़िया, बोर्ड है। सब बोर्ड हाँ है ना इसलिए। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, ये बात भी सही है। देखो पहले तो कहना, प्लांट के प्रोडक्शन इंपैक्ट, देखो तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला था कि पॉलन ग्रेन का शेप कैसा होता है ना। पहले अपन पॉलन शेप पढ़ लेते हैं और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन। पॉलन शेप, पॉलन ग्रेन, तो देखो सबसे पहले पॉलन का मैं आपको शेप दिखाता हूँ, है ना, पॉलन का शेप कैसे होता है। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको एक बात बताई थी, मैंने आपको ये बताया था कि नॉर्मली जो ये पॉलन होते हैं वो रिलीज होते हैं टू सेल स्टेज में, बट सम टाइम व्हाट हैपन, वो थ्री सेल स्टेज में भी प्री सेल स्टेज में भी रिलीज होते हैं, है ना। देखिए अच्छा, और हाँ मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जाइन किससे बनी होती है, एंटाइन किससे बनी होती है, ना होता है। देखिए तो चलो एक एक करके हम लोग बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई साहब मैंने आपसे ये बताया था कि पॉलन मदर, पॉलन टेट्राड होता है ना। अब टेट्राड कितने भी शेप का हो सकता है, इट मे बी ऑफ डिफरेंट शेप। सो हमने आपने बात की थी कि ये पॉलन ग्रेन जो होता है वो टेट्राड के फॉर्म में होता है, और ये जो टेट्राड होता है इसमें मतलब चार पॉलन इस तरह से अरेंज होते हैं, ये चार पॉलन ग्रेन हो गए इस तरह से। तो अभी इनको अपन माइक्रोस्पोर बोलते हैं, अभी हम कायदे से टेक्निकली इनको पॉलन ग्रेन नहीं कह सकते, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रो स्पोर। अगले 5 सेकंड में मेरे क्वेश्चंस का जो आंसर देगा मैं समझूंगा वो इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, अगले 5 सेकंड में आंसर देना, क्योंकि मैं बता चुका हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं। मेरा पहला क्वेश्चन क्या होता है, डू दिस पोलन हैव सेलुलर इंटरकनेक्शन और नॉट? नो सर, नो, साथ, गुड, नहीं होते, क्यों? सो क्या लो उससे सेपरेटेड है? शाबाश, वेरी गुड। और ये चारों किस मटेरियल से हेल्ड है एक दूसरे से? कॉपर, कैलोस, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट, ठीक है। तो ये आपस में कैलोज मटेरियल से एक दूसरे से, और हमने बात की थी कि
कि जब एक टेट्राड का फॉर्मेशन होता है, मेगास्पोर मदर सेल अलग अलग होती है, जब टेट्राड का फॉर्मेशन होता है तो कैलोस डिपॉजिट हो जाता है जिससे सेलुलर इंटरकनेक्शंस खत्म हो जाते हैं, पहले तो उनके बीच में सेलुलर इंटरकनेक्शन होते हैं। इसके बाद क्या होता है कि अब न्यूट्रिशन के लिए जब हमने बात की थी, हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था कि वहां पे एक सेल होती है उसको हम टैपिटम कहते हैं। तो टैपिटम जो सेल होती है, टैपिटम डिसॉल्व हो जाती है ना। टाइप ऑफ टैपिटम मैंने आपको नहीं बताया था, नहीं बताया था ना, नहीं बताया था ना टाइप ऑफ टैपिटम, नहीं सर नहीं बताया। तो यहीं पे मैं एक चीज और बताऊंगा टाइप ऑफ टैपिटम, वो चीज यहां पे आती है। अब टैपिटम भाई साहब क्या होता है कि टैपिटम डिसॉल्व होती है और टैपिटम डिसॉल्व होकर के इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है इनके ग्रो करने के लिए, है ना। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन आपको ये दिखाई दे रही है, ये एक्साइन हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन इंटाइन हो गई। ये एक्साइन जो मेम्ब्रेन होती है ये टैपिटम के सीक्रेशन से ही बनती है, ठीक है। अब टैपिटम टिश्यूज तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका था, टैपिटम दो तरह के होते हैं। पहला क्या होता है भाई, माइक्रोफोन ऑफ रखो, कौन कौन है, ठीक है। देखो पहला जो टैपिटम होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंडुलर टैपिटम। तो ग्लैंडुलर टैपिटम क्या करता है, जिसको नहीं समझ में आया पूछेगा, ग्लैंडुलर टैपिटम ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी से ही सेल के अंदर से ही मटेरियल को सिक्रीट करते हैं एक्सटर्नली। तो दे सिक्रीट मटेरियल, सर्टेन मटेरियल एंड दे आर न्यूट्रिटिव मटेरियल। और ये टैपिटम धीरे धीरे सिक्रीशन करके खत्म हो जाती है और पूरा का पूरा न्यूट्रिशन रिलीज कर देती है और उस न्यूट्रिशन से ये पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो टैपिटम को यूटिलाइज करके ये चारों अलग अलग हो जाते हैं और चारों अपने चारों तरफ सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं और ये मैच्योर पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये जिसका स्ट्रक्चर है। तो ये मैच्योर पॉलन ग्रेन है। दूसरा टैपिटम होता है उसको हम लोग बोलते हैं अमीबॉइड टैपिटम। ये क्या काम करेंगी, अपनी बॉडी के अंदर से मटेरियल को सीक्रीट करेंगी। तो यहाँ पे न्यूट्रिशनल मटेरियल बाहर की तरफ सीक्रीट करेंगी, है ना। और धीरे धीरे सीक्रीशन करते करते जब इनमें इनकी वायबिलिटी खत्म हो जाएगी तो ये खुद में डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इनको हम ग्लैंडुलर टैपिटम बोलते हैं। ये पहली वाली हो गई, दे आर ग्लैंडुलर, है ना। तो ये ग्लैंड की तरह काम करती है, इसलिए हम इनको ग्लैंडुलर टैपिटम बोलते हैं। यही काम तो ग्लैंड भी करती है, ग्लैंड में क्या पाओगे, ग्लैंडुलर सेल, एपिथेलियल सेल पाई जाती है। पढ़ा था ना हमने 11th में एंडोक्राइन सिस्टम में, टिश्यूज भी मैंने पढ़ाया था। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल क्या काम करेगी, ग्लैंडुलर एपिथेलियल जो सेल्स होती हैं वो इसको सिक्रीशन का काम करेंगे, है ना, और सिक्रीट करके हॉर्मोन्स या एंजाइम का सिक्रीशन करती है। दूसरे पाए जाते हैं भाई साहब, दूसरी जो टैपिटम होती है उन्हें कहते हैं अमीबॉइड टैपिटम। अमीबॉइड टैपिटम क्या होता है, ये यहां से अलग हो जाएंगी और इस तरह से अमीबा की तरह, है ना, इस तरह से जिस तरह से अमीबा की सेल्स होती हैं उस तरह से पॉलन ग्रेन के चारों तरफ घूमना शुरू कर देंगे, है ना। तो क्या करेंगी, चारों तरफ, ये पॉलन ग्रेन हो गया आपका, पॉलन के चारों तरफ घूमना शुरू कर देंगे और पॉलन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, है ना, पॉलन को एब्जॉर्ब कर लेगा और अपने लिए पॉलन न्यूट्रिशन की तरह इनको यूज कर लेगा। तो ये वॉन्डरिंग करती रहती है इधर उधर पॉलन ग्रेन के चारों तरफ। तो अमीबॉइड और ग्लैंडुलर में यही डिफरेंस होता है। क्लियर है भाई, हाँ जी क्लियर है सबको? यस सर, यस सर। तो ये हो गया अमीबॉइड और ग्लैंडुलर टैपिटम, है ना। तो एक्साइन का फॉर्मेशन इसी से होता है। अब देखो मैंने आपसे बताया कि एक्साइन जो होती है दिस इज द टफेस्ट बायोलॉजिकल मटेरियल अवेलेबल ऑन अर्थ। नोट करो, the outermost layer of pollen grain, exine, is made up of a substance called, क्या बोलते हैं इसको, substance
इस मैं यहां लिख देता हूं स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन। दिस इज द टफेस्ट बायोलॉजिकल मटेरियल, दिस इज द टफेस्ट बायोलॉजिकल मटेरियल ऑन द अर्थ। It is resistant to oxidation and leaching as well. Sir, एक बार last line repeat कर दीजिए. It is resistant to oxidation. It is resistant to oxidation and leaching as well. Sir? जी सर, ये स्पोरोपोलेनिन का कंपोजिशन क्या होता है, मतलब ये किससे मेड अप होती है? ये एक्चुअली बनी होती है वैक्सी सब्सटेंस से बनी होती है, ठीक है, मतलब ये पेक्टोस का और लिपिड का पॉलीमर है स्पोरोपोलेनिन। ठीक, तो क्या हो गया, कैल्शियम हो गया, लिपिड हो गया, है ना, और पेक्टिन हो गया, इनका कंपोनेंट है स्पोरोपोलेनिन। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि टफेस्ट बायोलॉजिकल मटेरियल ये है, तो टफेस्ट जियोलॉजिकल मटेरियल कौन सा है? पिछले साल हाँ हाँ बहुत बढ़िया, एनामेल, वेरी गुड, ठीक है, ओके। अब अच्छा सर, वो लास्ट लाइन ऑक्सीडेशन के बाद क्या है? लीचिंग, लीचिंग, LEACHING, लीचिंग, ठीक है। अब देखो ये अंदर वाली लेयर जो, इसको इंटाइन कहते हैं। मुझे आप ये बताओ कि इंटाइन कहां से बनी? स्पोरोपोलेनिन जो है वो तो बना होता है किसे, इसके सिक्रीशन से बन गया, यहां से न्यूट्रिशन भी मिला और इसी के सिक्रीशन से। इंटाइन पोलेन खुद बनाता है इंटरनली, है ना, तो इंटाइन पोलेन खुद सेल बनाता है। इंटाइन इज मेडअप ऑफ पेक्टोसेलुलोजिक, नोट करेंगे, इंटाइन इज मेडअप ऑफ पेक्टोसेलुलोजिक कंपाउंड, पेक्टोसेलुलोजिक कंपाउंड। स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है सेलुलोज, हाँ राइट, ये पेक्टोसेलुलोज, विच इज सीक्रेटेड बाय, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट। दिस इज सीक्रेटेड बाय द पोलन सेल इटसेल्फ, इट इज सीक्रेटेड बाय द पोलन सेल इटसेल्फ। अब आप एक बार देख, एक चीज देख पा रहे होंगे कि मैंने आपसे बताया ये टू सेल स्टेज में, है ना, यहां तक क्लियर सबको? यस सर, ठीक है। अब देखिए, मैं ये लिखवा दूं क्या, ग्लैंडुलर और अमीबॉइड टैपिटम लिखवा दूं ना, नोट कर लो आप। टैपिटम इज मेड अप ऑफ टू टाइप, या टैपिटम इज ऑफ टू टाइप, ग्लैंडुलर एंड अमीबॉइड, ग्लैंडुलर एंड अमीबॉइड। द ग्लैंडुलर टैपिटम इज ऑल्सो कॉल्ड सीक्रेटरी टैपिटम, द ग्लैंडुलर टैपिटम इज ऑल्सो कॉल्ड secretory tapetum, full stop, isi mein likhenge. The cell secrete nutrient, the cell secrete nutrient and finally breaks down, and finally breaks down at the time of pollen maturation. सर एक बार secrete nutrients के बाद repeat कर दीजिए. Secrete nutrient and finally breaks down at the time of pollen maturation. At the time of pollen maturation.
नेक्स्ट पॉइंट, अमीबॉइड टैपिटम इज ऑल्सो कॉल्ड पेरी प्लाज्मोडियल. अमीबॉइड टैपिटम इज ऑल्सो कॉल्ड पेरी प्लाज्मोडियल टैपिटम. Amoeboid tapetum is also called periplasmodial tapetum. Full stop. The cells breaks down by dissolution of their cell wall. Cells break down by dissolution of their cell wall. And tapetal protoplast form tapetal protoplast comes out and provide nutrition to developing microspore. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करके लिखना, नीचे लिखना नोट. द प्रोडक्शन ऑफ यूबिस बॉडी, अंडरलाइन करना है, पूछा हुआ क्वेश्चन है. Ubiquitous body. The production of ubiquitous body takes place from tapetum, which makes production of ubiquitous body takes place from tapetum. which makes exine of pollen grain. ठीक है, यहां तक कोई डाउट सर? हाँ, एक बार ये यूबिस बॉडी क्या है समझा देंगे. यूबिस बॉडी क्या है? ये मैंने बताया जिसे ऑयल और इसे पेक्टिन सब्सटेंस है बना केमिकल है यूबिस बॉडी. तो इस तरह के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये जाकर के बाहर सेल में डिपॉजिट होने लगते हैं, पॉलिन सेल में, और एक्साइन का फॉर्मेशन करते हैं. तो यूबिस बॉडी ही एक्चुअली स्पोरोपोलिन का फॉर्मेशन करते हैं, समझ गए? यूबिस बॉडी डिपॉजिट होकर के स्पोरोपोलिन बनाते हैं. क्लियर? यस सर. ठीक है, कोई डाउट भाई? और कोई डाउट? नो सर. सर स्क्रीन से कुछ कुछ गायब हो गया है. नहीं, ऐसे कैसे? वो नेट आपका फ्लक्चुएट. हाँ, आ गया सर. हाँ सर, वापस आ गया. वो नेट एक्चुअली फ्लक्चुएट जब होगा ना तब ऐसा होगा. तो ठीक है, एक और बात, अब ये हटा दो ये सब जो लिखा हुआ है. कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं ना सर? क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए और समझाने के लिए. अब दूसरी चीज क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये हो गई आपकी माइक्रोस्पोर. मैंने बताया था माइक्रोस्पोर डिवाइड करती है. कैसे डिवाइड होगी? अब हैप्लॉइड तो हो ही चुकी है माइटोसिस के थ्रू, और ये माइटोसिस कैसा है? अनइक्वेशनल डिवीजन. तो दो सेल्स बनेगी, पहली बनेगी छोटी जनरेटिव सेल और दूसरी बनेगी लार्ज वेजिटेटिव सेल. ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं. जनरेटिव सेल जो होती है ये वेजिटेटिव सेल के अंदर तैरती रहती है. ये हो गई जनरेटिव न्यूक्लियस, ये जनरेटिव सेल. इसके बाहर सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, है ना? फिर मैंने बताया था, तो नॉर्मली जो सेल होता है आप ये सॉरी पॉलन होता है वो टू सेल स्टेज में डिलीवर्ड हो जाता है. लेकिन किसी किसी में क्या होता है, 30% प्लांट में जनरेटिव सेल फिर से डिवाइड हो जाती है. कैसे? माइटोसिस के थ्रू.
और क्या बनाती है, टू स्पर्म का फॉर्मेशन कर देती है। इसलिए पॉलिनेशन के टाइम पे कुछ पॉलन ग्रेन टू सेल स्टेज में होते हैं और कुछ थ्री सेल स्टेज में होते हैं। यहां पर किसी को कोई दिक्कत समस्या? क्लियर भाई? यस सर। ठीक है, एक और बात, यहां पर ये छोटी छोटी जो आपको दिख रही है ये वैक्यूल्स हैं। जब पॉलन जर्मिनेट होने वाला होगा, मैच्योर होगा, तो सब वैक्यूल मिल जाएंगी और एक बड़ी वैक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। ये बात और जान लीजिए। ठीक भाई, अब एक चीज पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन होता कैसे है और पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन कैसे होता है ना? पॉलन जर्मिनेशन, तो एक पर्टिकुलर मैं देख रहा एनसीईआरटी भी, तो मैं देखता जाऊं एनसीईआरटी भी इम्पोर्टेंट है। सीक्वेंस ये रहेगा, एंड सीक्वेंस एनसीईआरटी वाला ही रहेगा, है ना? नाउ गिव मी वन सेकंड। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। एक मिनट भाई, तो दो चीजें, एक तो मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा इसका, रुकना एक मिनट, मैं जरा एक वीडियो निकाल रहा हूँ, है ना, एक एनिमेशन है वो मैं आपको दिखाऊंगा इसका, पॉलिनेशन का भी, और दूसरा है हमारा उसका थोड़ा सा डिले हो रहा है, एक सेकंड थोड़ा वेट करना। ठीक है, देखो इसमें दो चीजें हैं,
जर्मिनेशन, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, एक एनिमेशन दिखाता हूँ, है ना. दिस एनिमेशन इज अबाउट जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन और डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है ना. तो पहले फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन कैसे होता है. इसके पहले एक और चीज है, जर्मिनेशन कैसे, रुको रुको रुको, वेट वेट, अभी तो आपको वो भी बताना पड़ेगा मुझे. ठीक है, मैं वीडियो दिखा रहा हूं आपको पॉलन जर्मिनेशन का, है ना. थोड़ा बड़ा कोई आ जाए. ये वीडियो देखो पहले, दिख रहा है वीडियो, ये हमारी ओवरी है. This is carpel. Style. Stigma. ये इसका lateral section है. देखिए मेगास्पोरेंजियम, है ना, तो मतलब ओवरी की बात की जा रही है, उसके अंदर मेगास्पोर, ये जो डेवलप हो रहे हैं दे आर मेगास्पोर्स, ठीक है. तो एक ओवरी के अंदर एक मेगास्पोर हो सकता है या बहुत सारे मेगास्पोर हो सकते हैं. तो यहां पे ये ऐसी ओवरी है इसके अंदर मल्टीपल मेगास्पोर है, और ये जो माइक्रोपाइलर पोर है ये वो जगह है जहां से पॉलन ग्रेन एंट्री करेगी. ये ओव्यूल का लेटरल सेक्शन है. अब ओव्यूल के अंदर आप देख पा रहे हैं इस लेटरल सेक्शन में, यहां पर ये वाला जो पार्ट है ये ओव्यूल की सिंगल न्यूक्लियस है. इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, अभी एम्ब्रियो सैक बोलेंगे, और इसके ऊपर एक कवरिंग है, इन कवरिंग को हम इंटेग्यूमेंट बोलते हैं. तो ये लेटरल सेक्शन है ओवरी का. अभी ये जो आपको दिखाई दे रही है दिस इज मेगास्पोर मदर सेल. टू सेल में डिवाइड हुई, पहले टू न्यूक्लियस में, फोर न्यूक्लियस, तीन डिजेनरेट हो गई और एक सरवाइव करेगी.
एट न्यूक्लियस देखिए अब इसमें क्या हुआ, पहले हमने पढ़ा मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई, मियोसिस होने के बाद एक मेगास्पोर मदर सेल से चार मेगास्पोर हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ, चार हैप्लॉइड मेगास्पोर में एक मेगास्पोर सरवाइव करेगी, बाकी तीन डिजनरेट हो गई। जो सरवाइव कर रही थी उस सरवाइविंग मेगास्पोर में अंदर कैरियोकाइनेसिस हुआ, न्यूक्लियस तो डिवाइड हुई लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, मतलब उसका प्रोटोप्लाज्म डिवाइड नहीं किया। अब क्या होगा, जब प्रोटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा तो एक ही सेल के अंदर बहुत सारी न्यूक्लियस बन जाएंगी, तो एक सेल के अंदर वो तीन बार डिवाइड करती है और आठ न्यूक्लियस बन जाती है, एट न्यूक्लियस। आउट ऑफ दीज एट न्यूक्लियस थ्री मूव्स टू द माइक्रोपाइलर एंड नीचे वाले, एंड थ्री मूव्स टू द चैलेजल एंड ऊपर वाले, और बाकी दो बीच में आ जाती। नीचे वाली सेल्स को हम एंटीपोडल सेल बोलते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। ये देखिए ये एग है हमारा, होल्ड ऑन, ये वाला पार्ट जो बीच में है, थोड़ा सा देखते हैं, ये एग है, ये एग की न्यूक्लियस है, ये साइनर्जिड है, ऊपर की तरफ तीन एंटीपोडल सेल है, और ये बीच में इस पूरी सेल को जो हम लोग बोलते हैं ये सेंट्रल सेल है, इन्हें हम लोग बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो देखिए ये आपने देखा कि किस तरह से मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, मैं डबल फर्टिलाइजेशन भी अभी वीडियो। हाँ बताओ सर, अगर आप जैसे कैप्सिकम जैसे या फिर हरी मिर्च जैसे फ्रूट को आधे बीच में से काटेंगे तो सर यही सेम चीज दिखती है ना? राइट, बिल्कुल सही है। वो क्या है, वो एक सिंगल ओवरी है, जैसे कैप्सिकम की अगर बात करें सो सिंगल ओवरी विद मल्टीपल ओव्यूल, मतलब उसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल थे और एक ओवरी। यस सर। अब देखो तो अब हम पढ़ेंगे पॉलन जर्मिनेशन वाला फेस, है ना, पॉलन जर्मिनेशन कैसे होता है। ये वीडियो ग्रुप में भेजिए, ठीक है, मैं उनसे बोल दूंगा, मिस्टर जी से वो ग्रुप में भेज देंगे वीडियो। तो मैं क्या कह रहा था, ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है, तो पहले पॉलन ग्रेन कैसे जर्मिनेट करता है ये देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, ये राइट, ठीक है, तो देखो पॉलन ग्रेन इस तरह से जर्मिनेट करता है। देखो दिस इज जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, पहले क्या हुआ, माइक्रोस्पोरोसाइट बनी, हमने पढ़ लिया, ये कैलोज बाहर डिपॉजिट हो गया, हैप्लॉइड दो न्यूक्लियस हो गए, मियोसिस हुई, टेट्राड बना, माइक्रोस्पोर बड़ा हमने पढ़ लिया। अब मैंने बताया था माइक्रोस्पोर के अंदर छोटी छोटी वैक्यूल मिलकर के एक बड़ी वैक्यूल्स बनाती है जिसको हम लार्ज वैक्यूल बोलते हैं, ये वेजिटेटिव सेल हो गई, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस हो गई, ये छोटी वाली आपकी जनरेटिव सेल हो गई,
उसके बाद क्या हुआ कि पॉलन में माइटोसिस होती है ना, पॉलन जाकर के गिर जाते हैं, गिरने के बाद अब देखो यहां पर ये हो गया थ्री सेल स्टेज। क्यों भाई थ्री सेल स्टेज क्यों हो गया? एक वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल से दो स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये जो वेजिटेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, वेजिटेटिव सेल कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? पॉलन ट्यूब में। तो पॉलन ग्रेन जाकर के जब गिरता है, तो पॉलन ग्रेन के गिरने के बाद आप देखेंगे जैसे गिरा, गिरने के बाद तुरंत जनरेटिव सेल डिवाइड करती है। जनरेटिव सेल डिवाइड करके कब डिवाइड करती है? जनरेटिव सेल पॉलन ट्यूब के अंदर डिवाइड करती है, ठीक है। आइडियल स्टेज यही है, ये वाली, ये वाला जो साइकिल बना हुआ है, दिस इज फर्स्ट स्टेज इज दिस, सेकेंड स्टेज इज दिस, थर्ड स्टेज में आप देख पा रहे हैं कि वेजिटेटिव सेल से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो चुका है। पॉलन ट्यूब में सबसे आगे जो न्यूक्लियस है ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, इसके पीछे जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो डिवाइड करके स्पर्म सेल में कन्वर्ट हो चुकी है, दो स्पर्म सेल में, और ये पॉलन ट्यूब बन चुकी है। इसके बाद जब फ्यूजन होगा, तो फ्यूजन के समय पे ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वेजिटेटिव सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और जाने के बाद दो स्पर्म सेल रिलीज हो जाएंगे। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये जो वाला पार्ट है, ये तो हो गई आपकी स्टिग्मा, और ये वाला पार्ट स्टाइल है। स्टाइल वाला पार्ट खोखला नहीं होता, ये सॉलिड पार्ट होता है। इस सॉलिड पार्ट को पेनिट्रेट करती हुई पॉलन ट्यूब अंदर की तरफ जाती है। तो पॉलन ट्यूब अंदर तक जब जाती है तो क्या करती है, इसके बीच में, इसके रास्ते में जितनी सेल्स आती हैं उनको डिसॉल्व करते हुए जाती है और उनको न्यूट्रिशन की तरह अपने अंदर एब्जॉर्ब करती जाती है, ठीक है ना। सो अब मैं आपसे क्वेश्चन ये जानना चाहता हूं कि इसमें कौन सा ऐसा एंजाइम पाया जाता है जो ड्रिलर की तरह काम करता है और पॉलन, ये जो स्टाइल की सेल्स होती है उनको डिसॉल्व करने का काम करता है। द एंजाइम विच डिसॉल्व दिस वन पिस्टिल या स्टाइल, बोलो भाई। बोलो बोलो बोलो, एनी वन ऑफ यू? क्वेश्चन तो आप मेरा समझ गए होंगे ना सर? तो नहीं पता, बट गेस मार रहे हैं सर। सर लाइसोजाइम तो नहीं? ऐसे ही कुछ इसी टाइप का ही है। अच्छा ऐसे ही अच्छा। है वो हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, मतलब काफी हद तक आपने सही बताया, उसका नेचर यही है, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम ही पाया जाता है वो। बिल्कुल आपने सही बताया, मैं केमिकली अगर बात की जाए, अगर रिएक्शन की तरह से बात करूं तो आपका गैस 100% सही है, वो हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम ही है जो हाइड्रोलाइज करने का काम करता है। नाम उसका पेक्टिनेज है, ठीक है। आप चलो इसका स्क्रीनशॉट लो और नोट करो, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन, जल्दी से, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन। अच्छा एक बात मैं और आपको यहाँ पे एड ऑन करना चाहूंगा, ये आपको बुक में नहीं मिलेगी। क्या होता है कि अगर उसी स्पीसीज का पॉलन ग्रेन है, तो जब उसी स्पीसीज का पॉलन ग्रेन है तभी जर्मिनेट करेगा, किसी दूसरे स्पीसीज का पॉलन ग्रेन है तो जर्मिनेट नहीं करेगा। तो जो दूसरे स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज के पॉलन ग्रेन होते हैं, डिफरेंट स्टिग्मा में लैंड कर जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं, कोई हेलीकॉप्टर तो है नहीं कि जहां पे लैंड करना वही लैंड करेगा, हवा में उड़ रहा है भाई साहब, किसी की स्टिग्मा में लैंड कर सकता है ना। तो अगर उसी की स्पीसीज का पॉलन ग्रेन है तो जर्मिनेट करेगा, और अगर उस स्पीसीज का नहीं तो पॉलन रिजेक्शन हो जाएगा। ऐसा कैसे हो पाता है, कोई बता सकता है क्या? सर जीन डिफरेंट होता है तो वो जेनेटिक मिक्सिंग प्रॉपर्ली नहीं हो पाती। नहीं जर्मिनेट ही नहीं करेगा, जीन मिक्सिंग तो तब होगी जब अंदर जाएगा। देखो हाँ, कोई अटेम्प्ट करना चाहता है? अच्छा। हाँ बोलो बोलो सर। कुछ मतलब मुझे इसका जो नहीं पता एक्चुअली, वो जो हमारे ह्यूमन में होता है कि हमारे जो एग होता है हमारी बॉडी में, अगर एक स्पर्म एंटर कर जाता है उसके बाद बाकी स्पर्म्स का रिजेक्शन हो जाता है। हाँ। तो मैंने पढ़ा था कि कुछ अंदर से इंटरनल होता है। राइट वो भी वहाँ पे ऐसे चेंज होता है ना, पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर चेंज हो जाता है, पॉलीस्पर्म। yes, उसको बोलते हैं टू स्टॉप द पॉलीस्पर्म, है ना, यही पढ़ाओगे ना। देखो राइट, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कुछ ऐसा काम करती है। देखिए होता क्या है कि ये हो गई हमारी, ध्यान से समझिएगा, जिसको नहीं समझ में आया बताएंगे।
हो जाएगा। देखो यहां पर क्या होता है, ये हो गई स्टाइल। स्टाइल की एक्सटर्नल सरफेस में कुछ यहां पर रिसेप्टर पाए जाते हैं, दे आर सर्टेन रिसेप्टर। ये रिसेप्टर क्या करते हैं, याद आया ना मैंने आपको बताया था वहां पे जब हम लोगों ने रिसेप्टर पढ़े थे लास्ट ईयर पढ़े थे, न्यूरॉन्स न्यूरोट्रांसमीटर जैसे रिलीज होते हैं, याद आया? यस सर। तो वैसे क्या होता है, जब यहां पे प्रोटीन से बने हुए रिसेप्टर पाए जाते हैं, अगर इन्हीं की स्पीसीज का पॉलन ग्रेन यहां पे लैंड होता है तो ये रिसेप्टर इसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है, जैसे रिसेप्टर इसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो यहां पर शुगर रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, शुगर रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से पॉलन जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देता है। अगर रिसेप्टर ने पहचाना कि हमारा पॉलन ग्रेन नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर देगा और वहां पर ये शुगर और एंजाइम जो होंगे वो रिलीज नहीं। नोट करो, चलो हेडिंग डालेंगे जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन अ पॉलन ऑफ सेम स्पीसीज लैंड ऑन स्टिग्मा, when a pollen of same species land on stigma, full stop, comma, pollen swell by absorbing water, pollen swell by absorbing water, within a few minute. So by absorbing water within a few minute, it releases the wall held, wall mein paaye jaane wale, it releases the wall held recognition factor कौन रिलीज कर रहा है? पॉलन। इट रिलीजेस वॉल हेल्ड रिकॉग्निशन फैक्टर, फुल स्टॉप। दीज फैक्टर डिसाइड वेदर, सर इट रिलीजेस के बाद आपने क्या बोला? वॉल हेल्ड फैक्टर, दीज फैक्टर डिटरमाइन दैट pollen will germinate or not. Next point. Clear? The wall of pollen tube, underline karenge, neat ka question hai. The wall of pollen tube is extension of intine. The wall of pollen tube is extension of intine. Full stop. The tube secrete exogenous. The tube secrete exogenous pectinase enzyme and other hydrolytic enzyme, pectinase enzyme and other hydrolytic enzyme for the entry. Full stop.
इट एब्जॉर्ब नरिशमेंट फ्रॉम सर एक मिनट सर सर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के बाद प्लीज रिपीट कर दीजिए फॉर द एंट्री ऑफ ट्यूब फुल स्टॉप इट एब्जॉर्ब नरिशमेंट फ्रॉम ट्रांसमिटिंग टिश्यूज मतलब जो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं फ्रॉम ट्रांसमिटिंग टिश्यूज ऑफ स्टाइल नेक्स्ट पॉइंट नाउ स्टेप बाय स्टेप वैसे इसी सीक्वेंस में आपको रखना है ठीक है इसी सीक्वेंस में लिखना है अगर क्वेश्चन आएगा नाउ द जनरेटिव सेल डिवाइड इनसाइड पोलन ट्यूब नाउ जनरेटिव सेल डिवाइड इनसाइड पोलन ट्यूब एंड प्रोड्यूसेस टू मेल गैमीट सर पोलन ट्यूब के बाद एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज द जनरेटिव सेल डिवाइड इन पोलन ट्यूब एंड फॉर्म टू मेल गैमीट stop each male gamete or sperm contain a nucleus surrounded by thin layer of protoplasm full stop underline karenge neat ka question hai at this stage So the male gamete have a prominent nucleus and thin layer of protoplasm. Next point underline करेंगे important question है the tube nucleus have no function now and it may degenerate so फिर से repeat कर दीजिए point starting कहाँ से last one point the tube nucleus so the tubes the tube nucleus do not have any function now and it may degenerate यहां तक क्लियर है सबको यस सर ग्रेट कोई डाउट एक्सक्यूज मी सर हाँ जी बेटा बोलो कौन पूछ रहे थे हाँ देव्यम बताओ पूछ रहे हो सर एक बार इंटाइन समझा दीजिए ये इंटाइन क्या है ना देखो ये बाहर वाली जो लेयर ब्लैक ब्लैक सी दिख रही ना ये एक्साइन है ना और इसके अंदर एक हमने और लेयर पड़ी थी उसको हम एंटाइन कहते हैं तो इसमें न्यूक्लियर पोर होगा उस पोर से बाहर की तरफ ये ट्यूब निकलेगी ये ट्यूब किससे बनी हुई है एंटाइन से ट्यूब की वॉल किससे बनी है एंटाइन से क्लियर है यस सर एंटाइन किससे सीक्रेट हुआ है हाँ बोलो आमना सर मैं ये पूछ रही थी आपने कहा था ट्यूब न्यूक्लियस डू नॉट हैव एनी फंक्शन मतलब वो जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो डीजेनरेट हो जाता है स्पर्म फॉर्मेशन के बाद तो वो गैमेट के फॉर्मेशन के बाद डीजेनरेट होता है या जब वो वहां तक पहुंच जाते हैं गैमेट फॉर्मेशन के बाद वो कभी भी डीजेनरेट होता है उसके बाद उसका काम नहीं बचता है कई बार क्या होता है कि जब ये ट्यूब रप्चर होगी ना तब डिस्ट्रॉय होगा ऐसा भी हो सकता है हाँ बताओ मैत्री कुछ पूछ रही थी अच्छा ओके सर यस सर मैं पूछ रही थी सर इट में डीजेनरेट के बाद आपने कुछ बोला था क्या नहीं इट में डीजेनरेट मतलब आप इसका काम खत्म हो गया अब ये अपना अलविदा कह सकता है ठीक है ओके सर किसी भी टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे गुड बाय कह सकता है सबको क्लियर है साद क्लियर है जुआरिया
यस सर। यस तिशा, तिशा क्लियर है? देवयांशी, आर्यन, अनुष्का? यस सर। अनुष्का? यस सर। अच्छा समझ आ रहा है ना? यस सर। अच्छा किसी को भी कहीं पे भी नहीं समझ में आए एकदम बिंदास होके पूछना, ऐसे हेजिटेट नहीं करना है, ठीक है ना? एकदम कितना भी बेसिक हो, ठीक है? और जब मैं पूछूं तो रिप्लाई देने की कोशिश करो। लुक दैट इज योर मेंटल एक्सरसाइज, यू नो। मैं क्वेश्चन क्यों पूछता हूँ, मैं इसलिए क्वेश्चन थोड़ा नहीं पूछता हूँ कि ये बताने के लिए तुम्हें नहीं आता है। अरे भाई तुम्हें नहीं आता है तभी तो मैं आया हूँ तुम्हें बताने के लिए, है ना? मैं क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ, दिस इज ब्रेन स्टॉर्मिंग। जब आप क्वेश्चन का आंसर सोचते हो ना तो द प्रोसेस, ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोसेस स्टार्ट, और ये आपको जगा के रखता है पूरी क्लास में, समझ रहे हैं ना? दिस इज मेथड ऑफ स्टडी। और वेन एवर यू ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, यू आर एक्सरसाइजिंग योर ब्रेन। और ये वैसे ही होता है, आप घर में जब पड़े होते हैं तो आपका शरीर मोटा हो जाता है, लेजी हो जाता है, कम काम करता है। जब आप जिम जाते हैं तो आपको थोड़ा पेन होता है लेकिन आपका शरीर ज्यादा एक्टिव हो जाता है, एंड व्हेन यू कम आउट ऑफ द जिम यू फील बेटर। इन द सेम वे जब आप सोचना बंद कर देते हैं आपका दिमाग जो होता है ना वो भी लेथार्जिक हो जाता है और आलसी हो जाता है, उसका रिस्पॉन्स टाइम कम होने लगता है। व्हेन यू स्टार्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग, व्हेन यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग योर ब्रेन, ये वैसे जिम जाने वाले आदमी जैसे एक्टिव हो जाता है। सो इट इज अप टू यू, जब भी मैं क्वेश्चन पूछू ट्राई टू गिव द आंसर। अगर बुरा गलत ही तो होगा, उसमें कौन सा तुम्हारे कोई डॉलर थोड़े ना डायरेक्ट हो जाने, है ना? सो ऑलवेज ट्राई टू गिव आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट, मेगा स्पोरोजेनेसिस, है ना? मेगा स्पोरोजेनेसिस, राइट? तो मेगा स्पोर का फॉर्मेशन, है ना? अब मेगा स्पोरोजेनेसिस देख लेते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस, राइट? देखो भाई लोगों, देखो ये क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है, इट इज डिप्लॉयड टू एन। अब ये क्या होता है, ये डिवाइड करती है। कैसे डिवाइड करती है भाई लोगों? रिडक्शन डिवीजन, मतलब बोले तो क्या हुआ, मियोसिस। मियोसिस, मियोसिस। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग डायग्राम बनाते हो नहीं बनाते हो अपने कॉपी में, नोट्स में? यस सर। हाँ डायग्राम जरूर बनाना। यस yes, सर बनाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ द मोस्ट इलस्ट्रेटिव डायग्राम और सिंप्लीफाइड डायग्राम, ज्यादा आपको अच्छे डायग्राम मैं दिखाऊं, मैं इसलिए मेहनत करता हूँ, थोड़ी देर कोसता हूँ, है ना? हम लोग इसीलिए मेहनत करते हैं। देखो क्योंकि इसको कॉपी पेस्ट तो तुम कर नहीं सकते हो, है ना? ऐसा कोई चांस, मतलब तुम्हारे पास सिस्टम तो है नहीं कि वहां तुम जब भी एग्जाम होगा तो कॉपी पेस्ट मारोगे, तुम्हें करना ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हमेशा ड्रॉ करना, ठीक है ना? बिल्कुल ज्यादा टेक सेवी होने की जरूरत नहीं है कि सेव कर लिया डेस्कटॉप लैपटॉप में, ठीक है? तो रिडक्शन डिविजन होता है, और यहाँ पर क्या हुआ, हैप्लॉइड चार सेल्स बनी, है ना? तो हमें भी पता है कि जब भी रिडक्शन डिविजन होता है या मियोसिस होती है तो एक मदर सेल से चार डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, और चार में से जो तीन सेल्स होती हैं, थ्री सेल्स दे गेट डिजेनरेट, ये तीन सेल डिजेनरेट हुआ, एक सेल सरवाइव करती है। ये जो सेल सरवाइव करती है इसे हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोर, और इसी को हम एम्ब्रियोसाइट बोलते हैं, और ये हैप्लॉइड होती है, ठीक है? उसके बाद ये जो हैप्लॉइड सेल होती है ये ग्रो करती है, बड़ी होती है। तो बड़ी कैसे होती है, एक तो ये बाहर से न्यूट्रिशन लेती है, और फिर क्या होता है, ये बाकी जो तीन सेल डिजेनरेट हो गई इनके न्यूट्रिशन को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर देती है। ये जो बचती है चौथी वाली, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर, वी कॉल इट फंक्शनल मेगास्पोर। अभी जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये खा पी के मोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसके बाद इसमें अब माइटोसिस शुरू होती है,
तो माइटोसिस में अभी तो ये हैप्लॉइड थी, हैप्लॉइड ही रहेगी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल रहते हैं। अब यहां पर होता क्या है, कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस, कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस बट नॉट साइटोकाइनेसिस, मतलब कि पूरा सेल डिवीजन नहीं होता। तो एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हो गए, दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस। दूसरी माइटोसिस हुई तो फर्स्ट माइटोसिस में दो हो गई, सेकंड माइटोसिस हुई चार हो गई, और थर्ड माइटोसिस हुई तो कितनी हो गई, आठ हो गई। अब इन आठ में जो आठ सेल बनी, इनमें से तीन सेल ऐसी होती हैं जो चली जाती हैं किस तरफ, चैलेजल एंड पे। चैलेजल एंड बताया था ना आपको, चैलेजल एंड, यस सर। तो चैलेजल एंड पे चली जाती हैं, ये जो चैलेजल एंड पे चली गई इनको भाई साहब हम लोग बोलते हैं क्या, एंटीपोडल सेल। तो तीन एंटीपोडल सेल बन जाती हैं जो चैलेजल, तीन एंड ऑपोजिट पोल पे चली जाती हैं, इनमें से एक ओवम या एग होता है, और इसके अलावा ये जो आपको दो सेल्स और दिखाई दे रहे हैं साथ में किनारे किनारे पे साइड साइड में, इनको बोलते हैं साइनर्जिट। ठीक है, तो यहां पर दो साइनर्जिट और एक एग, मतलब यहां पे भी तीन सेल्स हैं। तो आउट ऑफ दीज थ्री सेल वन साइनर्जिट, सॉरी टू साइनर्जिट एंड वन एग, इनको मिला करके हम लोग बोलते हैं एग ऑपरेटस, एग, इन्हें हम लोग बोलते हैं एग ऑपरेटस, राइट। तो ये एग ऑपरेटस का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए, जो माइक्रोपाइलर एंड पे था एग ऑपरेटस है, और ऑपोजिट एंड पे था ये चैलेंजल एंड पे जो जहां था उनको हमने साइनर्जिट बोला। बीच में दोनों, अब एक बात और बहुत ध्यान से गौर से समझिएगा मेरी बात को, ये यहां पर जो एग ऑपरेटस बना है, मैं थोड़ा सा अभी इसको एनलार्ज करके दिखाऊंगा, है ना। तो जो एग ऑपरेटस बना है, ये तीनों न्यूक्लियस में ऊपर पतली पतली सेल वॉल जैसी लेयर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अभी भी दो न्यूक्लियस जो बीच में आ चुकी है, इनको हम टू पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, इनमें किसी भी तरह का सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं स्टार्ट हुआ। सो दे आर एन प्लस एन, है ना। यहां पर अब आप देख पा रहे हैं टोटल सेल कितनी हो गई, सेवन सेल है। मैं दिखाता हूं कैसे, तीन ये थ्री थ्री सिक्स हो गया, एंड दिस इज द सेवेंथ वन, ये सेवन सेल हो गई। तो सेवन सेल और न्यूक्लियस कितनी है, थ्री थ्री सिक्स एंड टू एट, तो एट न्यूक्लियस। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। तो जो एम्ब्रियो सैक होता है, है ना, एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक होता है, दैट इज सेवन सेल एंड एट न्यूक्लियस, क्लियर है। इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर जो स्टैंडर्ड हम लोग पढ़ते हैं, इसको कहते हैं पॉलीगोनियम टाइप एम्ब्रियो सैक, पॉलीगोनियम एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो यहां पे एक पॉलीगोनियम प्लांट है, उसके एम्ब्रियो सैक को हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं, इसीलिए इसको पॉलीगोनियम टाइप एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। एनी डाउट, एनी क्वेरी? नहीं सर। पक्का अच्छे समझ में आ गया ना? हाँ सर। अगर आपको समझ में आ गया तो डायग्राम आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत बढ़िया डायग्राम है, आप ये बना के आओगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सर दो मिनट, बिल्कुल बिल्कुल सर। जी जी बताएं सर, वो नीचे में, नीचे जो तीन सेल्स हैं वो दो साइनर्जिट प्लस वन है ना, राइट? हाँ, और इसको पूरे को मिला के बोलते हैं एग एपरेटस, और ये कहाँ पे होगा, माइक्रोपाइलर एंड पे होगा। ओके सर, बीच में दो न्यूक्लियस है और ऊपर भी तीन, ऊपर तीन सेल है, ऊपर तीन सेल से। जी सर, आपने बोला था कि आठ सेल्स हो जाते हैं माइटोसिस के, मतलब आठ सेल्स हो जाते हैं ना माइटोसिस के? नहीं, एट न्यूक्लियस सेवन सेल। ओके, एट न्यूक्लियस एंड सेवन सेल्स बनते हैं। हाँ, एम्ब्रियो से एक एम्ब्रियो सेक्ट में, तो देख रहे हो ना यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये सेवन सेल हो गई। ये पूरी एक सेल है, ये वाली, दिस इज, देखो दिस वन, We are not considering, this is actually a cell. तो three ऊपर, three नीचे, और ये क्या हो गई? Seven cell. तो कितनी हो गई? Seven cell हो गई ना? है ना? Yes sir, yes sir. और इसमें दो nucleus extra है, तो total nucleus कितनी हो गई? Eight nucleus. Okay.
तो सब माइटोसिस के थ्रू सिर्फ जो है वो होता है, क्या कहते हैं, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, राइट, माइटोसिस के थ्रू न्यूक्लियस सिर्फ, इसीलिए हमने क्या बोला कैरियोकाइनोसिस, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन तो हुआ बट साइटोकाइनोसिस नॉट साइटोकाइनेसिस, लेकिन साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ। सर जी बताएं सर, वो आपने फंक्शनल मेगास्पोर क्यों लिखा वहां पर? क्योंकि बाकी तीन जो थे वो डिसफंक्शनल थे। अच्छा, वैसे ही खराब, चार में से एक ही फंक्शनल होगा, लेकिन वहां पे क्या होता है, सब फंक्शनल होते हैं। किसमें? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। यस सर, यस सर। वो और एक और चीज सर, टू पोलर न्यूक्लियर जहाँ लिखा है सर, उसके ऊपर आपने क्या लिखा है? एन प्लस एन लिखा है मैंने, मतलब ये न्यूक्लियस फ्यूज नहीं है, इसका मतलब दो न्यूक्लियस साथ तो है लेकिन वो फ्यूज नहीं है। ठीक है सर, सर सर एक बार ये पॉलीगोन या मैम्ब्रेस एक्सेस से बता दीजिए। एक्चुअली क्या है ये, जैसे आपने देखा होगा कि हम हमेशा जब भी कोई चीज पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर किसी चीज को एग्जांपल मान लेते हैं ना, स्टैंडर्ड एग्जांपल। ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं या फ्रॉग की फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, वैसे यहाँ पे जिस प्लांट का हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जिस प्लांट के मतलब ये कोई तो कोई रिप्रेजेंटेटिव प्लांट होगा, तो इसका जो रिप्रेजेंटेटिव प्लांट है जिसका एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट पढ़ते हैं वो है पॉलीगोनियम। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रॉ द वेल लेबल डायग्राम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पॉलीगोनियम ओव्यूल, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, वो इसी की बात की जा रही है। और कई बार पूछा जाता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सेल्स एंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन पॉलीगोनियम टाइप एम्ब्रियो सैक या एंजियोस्पर्म, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, पॉलीगोनियम का यही मतलब होता है। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलीगोनियम, जैसे हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो किसको पढ़ते हैं, ईकोलाई पढ़ते हैं ना? यस सर, वैसे ही। ठीक है सर, डन सर, डन, ओके। देखो हटा लूं, सबने कर लिया ना नोट के लिए सबने? यस सर, ठीक है। यस, हाँ राइट, तो मैं रिमूव कर रहा हूं। अब देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा मेगास्पोर को और बड़ा करके आपको दिखाता हूं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डायग्राम जो आपके ये शायद बुक में भी बना होगा। ये देखिए, ये मैच्योर मेगास्पोर है, एम्ब्रियो सैक जिसको हम लोग बोलते हैं, प्री एंटीपोडल है ना, बीच में पोलर न्यूक्लियाई एन प्लस एन, बीच वाली सेल को हम लोग सेंट्रल सेल बोलते हैं। ये पूरी मैं सेंट्रल सेल को कलर्ड कर देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए कि सेंट्रल सेल बोला किसको। हमने इस कंप्लीट सेल को ये सेल, ये जो कंप्लीट सेल है ये वाली सेल को, इसको हमने क्या बोला, सेंट्रल सेल बोला। आप समझ में आया, ये सेंट्रल सेल होगी, ये कंप्लीट सेल जो वॉयलेट कलर से कलर्ड है, ये पूरी पूरी सेंट्रल सेल है ना, ये सेंट्रल सेल हो गई। इसमें दो न्यूक्लियाई है जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये पीछे की तरफ एग है ना, आगे की तरफ साइनर्जिट है। अब एक चीज और बताऊंगा, ये साइनर्जी में आप देख रहे हैं फिलीफॉर्म एपरेटस पाया जाता है, ये फिंगर लाइक एक्सटेंशन होते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये पॉलन ट्यूब को बताते हैं कि यहीं से एंट्री करना है और यहीं से फर्टिलाइजेशन करना है। इनका काम क्या होता है, द गाइड पॉलन ट्यूब फॉर एंट्री, ठीक है, ये पॉलन ट्यूब को गाइड करने का काम करते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया सर? यस सर, ठीक है। अब देखो ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ओव्यूल कैसा दिखता है ना, देखो
जो मैच्योर ओव्यूल होता है वो किस तरह से दिखाई देता है। ओव्यूल का भी डायग्राम 3 मार्क्स में बोर्ड में पूछा जाता है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम इससे बहुत सारे आते हैं इसलिए आप समझ के रहिएगा, तो डायग्राम आप जरूर ध्यान से देखिएगा और बनाइएगा जरूर। ओव्यूल का डायग्राम सीधे बनाने के लिए आता है 3 मार्क्स का, बोर्ड क्वेश्चन में देखिएगा बहुत बार पूछा गया। तो ये वही ओव्यूल का डायग्राम। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, तो मैंने आपसे बताया था कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये मटर है पी, ये पूरी की पूरी क्या है ओवरी है। अब इस ओवरी में क्या होता है, इसके अंदर इस तरह से सीड लगे होते हैं मटर के। तो भाई साहब ये वाला जो हिस्सा है ना, इस वाले हिस्से को हम फ्यूनिकल कहते हैं, और ये सीड एक्चुअली किससे बना है, ये बना है ओव्यूल से, ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन है। तो यहां पर आप देखिए, मैं आपको लास्ट टाइप भी बताया था मैंने जब मॉर्फोलॉजी पढ़ाया हुआ था 11th में, तो इसमें बहुत सारे मटर के इस तरह के लिए लगे होते हैं सीड बहुत सारे, तो एक ओवरी और बहुत सारे सीड हैं, तो हम इसे कहते हैं यूनिलॉकुलर, याद आया, और मल्टी, हाँ जी याद है ना, ओव्यूलर 11th में मैंने पढ़ाया था ना, यूनिलॉकुलर और मल्टीलोकुलर। तो एक ओवरी के अंदर हो सकता है सिर्फ एक ही ओव्यूल हो, जैसे मैंगो, तो मैंगो में एक फ्रूट है वो पूरी की पूरी ओवरी है, उसके अंदर एक ही सीड है मतलब एक ही ओव्यूल था, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है सिंगल फ्रूट जैसे ये है, सिंगल ओवरी और बहुत सारे ओव्यूल। ओव्यूल का ये जो नीचे वाला हिस्सा है इस हिस्से को हम फ्यूनिकल कहते हैं, जिस हिस्से की हेल्प से वो चिपका रहता है ओवरी की वॉल में, ये ओवरी की वॉल थी है ना। ये वाला हिस्सा जहां से ये एम्ब्रियो सैक जुड़ा होता है इसको हीलियम कहते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे ये बीच वाली जो न्यूक्लियस है ये पोलर न्यूक्लियस है, ये एंटीपोडल सेल है, ये तो आपको पता ही है, ये सेनर्जिड है आपको पता है, ये एग है, ये एम्ब्रियो सैक है पूरा ये भी पता है। इसके चारों तरफ एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ एक टिश्यू है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। एम्ब्रियो सैक धीरे धीरे डेवलप होता जाता है बढ़ता जाता है, तो न्यूक्लियस क्या करता है, ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करता है, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करता है। ऊपर वाला हिस्सा इसको हम लोग बोलते हैं चैलेंजर, और नीचे वाला हिस्सा इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं, जहां से पॉलन ट्यूब एंटर करती है, पॉलन ट्यूब एंटर, राइट। ये वाला जो हिस्सा है इसको हम रेफी कहते हैं, रेफी के अंदर क्या पाई जाती है, जाइलम और फ्लोएम पाई जाती हैं। ये जाइलम और फ्लोएम क्या करती हैं, ओवरी के वॉल से मतलब यहां से ओवरी वॉल से न्यूट्रिशन लेकर के आने का काम करती हैं, और डेवलपिंग एम्ब्रियो को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करती है। क्लियर है यहाँ पर? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और भाई साहब इंपॉर्टेंट डायग्राम है, 3 मार्कर डायग्राम, ठीक है। तो वो जो लेयर्स वाला बनाया था माइक्रोस्पोरेंजिया वाला, वो इंपॉर्टेंट है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है, मेगास्पोरोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चंस तो मैं आपको साथ में बताते जा रहा हूँ कि कितने क्वेश्चंस पूछे आते हैं, कैसे कैसे कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। सर जी, सर वो फ्यूनिकुलस का अपने वो क्या कहते हैं, वो क्या बताया आप, फंक्शन? फ्यूनिकुल एक बेस होता है जिसकी हेल्प से ये अटैच रहता है ओवरी की वॉल से, ओव्यूल ओवरी की वॉल से अटैच रहता है। सर हेलो, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। ये सर, सर आवाज नहीं आई, नहीं आ रही अभी आवाज, नहीं आ रही है मैत्री, आ रही आवाज? सर अभी आ रही है सर, आपने आंसर बताया था क्या, ज्यादा फ्यूनिकुलस का फंक्शन क्या है? फ्यूनिकल वो पार्ट होता है जिसकी हेल्प से ये ओवरी की वॉल में ओव्यूल अटैच रहता है, करेक्शन पॉइंट। सर बेसिकली वो प्लेसेंटा होता है, इसी को बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा देखो, प्लेसेंटा क्या होता है, विच प्रोवाइड व्हाट, न्यूट्रिशन। तो प्लेसेंटा वो कनेक्शन है जिसके हेल्प से जो एम्ब्रियो होता है वो अपनी मदर से चिपका रहता है और न्यूट्रिशन लेता है ना, ऐसे ही होता है ना? यस सर। तो ये प्लेसेंटा ही है।
वहां पे हम इसीलिए इसको प्लेसेंटेशन कहते हैं। नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, ये तो था बोर्ड तक की बात। एक और कहानी है साथ में कि कहानी ये भाई साहब कि ओव्यूल कितने टाइप के हो सकते हैं। इसका डायग्राम याद रखिएगा आप, जो मैं बताता रहूंगा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करके नोट कर लो कि क्या आएगा बोर्ड के लिए भी साथ साथ, है ना। टाइप्स ऑफ ओव्यूल, कितने टाइप के ओव्यूल होते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन भाई साहब ये क्वेश्चन बहुत बार फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और नीट एग्जामिनेशन, एक्सक्लूसिवली फॉर नीट एग्जामिनेशन। देखो भाई, ये ऊपर वाला जो है मैं लिखता रहता हूं, ये पहला वाला जो है ए बी सी डी क्या है यहां पे लिखा नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं कितने टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक। जो पहला होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थ्रोटोपस, पहला वाला, दिस इज ऑर्थ्रोटोपस। ऑर्थ्रोटोपस जो है ये कहाँ पाया जाता है, इसका एग्जांपल क्या है, दिस इज फाउंड इन पॉलीगोनम, ये पॉलीगोनम में पाया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है, है ना, दूसरे वाला जो आपको दिख रहा है बी वाला, दैट इज एनाट्रोपस। एनाट्रोपस कहां पे पाया जाता है, इसका एग्जांपल है हिलियंथस। हिलियंथस थर्ड नंबर पर जो है ऑर्थ्रोट्रोपस एनाट्रोपस, ये है थर्ड नंबर वाला, इसको हम लोग बोलेंगे हेमीट्रोपस। हेमीट्रोपस जो पाया जाता है, दिस इज फाउंड इन रेनन्कुलस। ठीक है, और चौथा वाला जो है फोर्थ वन, ऑर्थोट्रोपस एनाट्रोपस हेमीट्रोपस, दिस फोर्थ वन इज कॉल्ड कॉम्फाइलोट्रोपस। बेसिकली पॉलीगोनम में साइड डाउन, हाँ राइट, बिल्कुल बिल्कुल यही क्वेश्चन आते हैं। मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आते हैं, कॉम्फाइलोट्रोपस। कॉम्फाइलोट्रोपस आपका पाया जाएगा मस्टर्ड, कॉम्फाइलोट्रोपस। ठीक है, और नेक्स्ट है एम्फीट्रोपस पाया जाएगा कैप्सेला में, कहाँ गया एम्फीट्रोपस, सही है कैप्सेला में। और सबसे आखिरी वाला है सर्सिनोट्रोपस, सर्सिनो पी आर ओ सर्सिनोट्रोपस पाया जाता है अपंशिया में। देखो
दिख रहा है सबको, क्लियर दिख रहा है ना, फ्रंट साइड सही है? यस यस सर। आप देखो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो हालांकि आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा कुछ खास नहीं इसमें। सर फोर्थ वाले के एग्जांपल दिए थे आपने, फोर्थ वाला है बेटा ये मस्टर्ड है ना। देखो ऑर्थोट्रोपस में क्या होता है, फ्यूनिकल, एम्ब्रियो सैक, और देखो सॉरी फ्यूनिकल, शैलेजा और माइक्रोपाइल, तीनों एक सीध में होते हैं। लास्ट ईयर क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कौन सा ऐसा टाइप है एम्ब्रियो सैक का जिसमें फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल के बीच की डिस्टेंस मिनिमम होती है, बताओ जल्दी से। एनाट्रोपस, ये देखो फ्यूनिकल यहाँ है ये, और माइक्रोपाइल यहाँ है, आप बताओ बी वाला है कि नहीं? यस सर यस, ये फ्यूनिकल ये माइक्रोपाइल, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आया था 90 डिग्री में किसमें होता है सर? ऑर्थोट्रोपस कहा ना, 180 डिग्री है तो। अच्छा सर डी हेमीट्रोपस, राइट हेमीट्रोपस, हेमीट्रोपस। एक क्वेश्चन और, हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो सैक किसमें पाया जाता है? कॉम्फिलोट्रोपस में, ठीक है ये हॉर्स शू शेप, ये क्वेश्चन पूछे हुए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हॉर्स शू कहाँ पर है? ये है ना ये एम्ब्रियो सैक, ये तो वाला होगा ना, ऐसे देखो ऐसे ऐसे नहीं एम्ब्रियो सैक, देखो ना ये एम्ब्रियो सैक ये। हाँ सर हेड सर मैं बोल रही हूँ, वो तो फिफ्थ वाला हो गया ना। हाँ तो वही तो ना, एथ वाला। हाँ ओके एम्फीट्रोपस, हाँ ये हाँ राइट एम्फीट्रोपस। हाँ सर मैं वही बोल रही थी एम्फीट्रोपस, हाँ यही होगा एम्फीट्रोपस होगा। सर सर मैं वो नहीं पूछ रही सर, ऐसे तो सर कम सबसे कम डिस्टेंस सर ई वाले की भी एम्फीट्रोपस की मतलब माइक्रोबल और फिनिकल आसपास है। ई ये हाँ सर ये फिनिकल और माइक्रोबल वो उसके पास। देखो ये ऐसे होता है एक्चुअली, ये जो बना हुआ है बनाओ फिर बताता हूँ, ये ऐसे होता है, ये सब बना लेते सर, ये इस तरह से होता है एक्चुअली जो बना हुआ है इस तरह से, और ये एक्चुअल में ये जो मैंने बनाया ना ये है कॉम्फाइलोट्रोपस, इसमें तो अच्छा डायग्राम बना नहीं है, ये वाला है आपका एम्फीट्रोपस जो है ये वाला, और एम्ब्रियो पर थोड़ा टेढ़ा बनाना है, इसमें और इसमें सिर्फ एक ही फर्क है समझे ना, इसमें एम्ब्रियो टेढ़ा कर दो इसमें उसमें कोई डिफरेंस नहीं, कॉम्फाइलो और एम्फी में सिर्फ एक ही फर्क है, एम्ब्रियो सैक इसमें सीधा है और इसमें एम्ब्रियो सैक टेढ़ा है, हॉर्स शू शेप है और कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना, तो अब बताओ किसी को कोई डाउट? एग्जाम्पल भाई याद रखना, टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक याद रखना, और जो मैंने क्वेश्चन बताया वो आपके दिमाग में भी होने चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए एम्ब्रियो सैक से, और आप देखना बहुत सारे क्वेश्चंस आए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेगास्पोरोजेनेसिस हमने कर लिया, एक चीज रह गई, मेगा स्पोरोजेनेसिस लिखा नहीं ना हमने, एक मिनट सर हाँ ठीक है नोट कर लो मैं बताना। सर हाँ सर ये यस सर ये लास्ट वाला क्या कहते हैं जो एम्ब्रियो सैक बना है सर वो कैसा है? ये इस तरह से उल्टा है, ये इस तरह से देखो ऐसे बनाओ,
समझ गए, घूम के पूरा आया, इसलिए सरसिनो बोलते हैं इसको, सरसिनो का मतलब ही यही हुआ। क्लियर? यस सर, क्लियर, डन सर।